बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वो हमा कहने लगी कि आज आ ही गए हैं तो बुला लें, बुला लेते नेक्स्ट टाइम, अगले बार सोचें। चला था वापस। अच्छा सुहेल भाई, सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा तो नहीं थी? नहीं नहीं, सीढ़ियाँ बिल्कुल ठीक है, वो पीछे पीछे कुछ रखवा दो कुछ। अच्छा मैं ना, मैंने बहरोज भाई को बोला कि वो सीढ़ियाँ अगर आप कहते तो चार पांच चढ़ जाते हैं, अगर नहीं चढ़ी। कहते भाई क्या हो गया तुझे, इतना बुरा लग रहा तुझे, चढ़ूंगा मैं। मैंने कहा यार आप मुझे अपनी जवानी प्रूफ ना करें, आप जितना कर सकते। नहीं वो बड़े भाग के आए। अच्छा आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। काम सब कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास, ए वन। अच्छा मुझे ना आपको मैं जब देखता हूँ तो मुझे एक कैरेक्टर जो आपका, वो मुझे मालूम नहीं हमारी क्योंकि ऑडियंस यंग भी है इस शो की, बहुत यंगर ऑडियंस भी है, लेकिन जो मेरे लीग के या मेरे से सीनियर या मेरे से बात करने वाले, उन्होंने भी आपके बेशुमार कैरेक्टर्स हिट हैं, लेकिन वो जो एक आपकी आवाज आती थी, दो धड़ वाला बच्चा, दो धड़ वाला बच्चा, वो मुझे कभी नहीं भूलता यार। वो प्ले, उस प्ले का नाम क्या था सुहेल भाई? वो था जी ख्वाहिश। ख्वाहिश, ख्वाहिश, रिटन बाय असगर नदीम सैयद, वाह वाह वाह, एंड डायरेक्टेड बाय पार्टली बाय नुसरत ठाकुर साहब, अल्लाह करी के रहमत जी आमीन, और राशिद दास। बट व्हाट अ सीरियल, वाह व्हाट अ सीरियल, व्हाट अ सीरियल। अच्छा उसमें रानी बेगम थी, रानी बेगम, शकीला कुरैशी थी उसमें? नहीं शकीला, शकीला नहीं थी उसमें, शकीला प्यास में थी, प्यास में थी, सदके थी, वाह हम बंदे हैं जरा वक्त, सदके थी वाह। वो भी देखे ये इनकी, आप ये देखें सुहेल भाई, ये जो लाइंस है ना, ये कभी अब लोगों की पॉपुलर नहीं होती कि कोई कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा डायलॉग लोगों का हिट नहीं होता कि आज भी मुझे, मैं 25 साल बाद भी या 20 साल बाद भी या 15 साल बाद भी आपसे उस डायलॉग की बात करें। ऐसा नहीं, ये जो वखरी टाइप वाला लफ्ज था ये तो असेंबली में कोट हुआ, मुन्नू भाई ने इस पर कॉलम लिखा, और ये तो नई बुखारी साहब अपने, हाँ वो तो अरसे दराज तक इसको बेचते रह गए, वो बड़ा वखरी टाइप, वखरी टाइप का। अच्छा ये राइटर ने लिखा हुआ था, ये आपकी अपनी? नहीं ये मेरी, ये असगर ने मुझे एक जगह लिख, एक जगह कहीं अवार्ड हो रहे थे, अच्छा तो वहाँ जो अवार्ड मिला वो एक गत्ते की पैकिंग में था। अच्छा उस पैकिंग के पीछे असगर लिखा कि मैं इतराफ करता हूँ कि ये सदके थीमा वाला आइडिया तुम्हारा अपना है, नीचे साइन किए। ओके तो सदके थीमा भी ये खुद ही सराइकी का लफ्ज है? हाँ हाँ हाँ। तो ये कहाँ से आप हर प्ले में ऐसा कुछ बनाते थे? यार मैं नया नया टीवी पे आने लगा था जी, और अभी वो कैरेक्टर नहीं मिल रहा था जो मैं करना चाह रहा था। क्या आप क्या करना चाह रहे थे? मतलब समथिंग बिगर, व्हिच कुड इंस्टेंटली मेक यू बिगर एंड पॉपुलर। लेकिन ये कैरेक्टर बिल्कुल बिट रोल था ये। तो मैं, मेरे अंदर एक जो आग लगी हुई थी, उसने कहा कि मैं, तुम पहचानो मुझे, मैं बंदा हूँ वखरी टाइप का। वो अंदर से जो एक आवाज निकली ना, गुस्से और दुख से भरी हुई, हाँ तो वो हिट हो गई, वो हिट, वो आपकी ख्वाहिश आपकी दुआ सुनी गई इस जुमले पे। अच्छा क्या, अच्छा वो कैरेक्टर छोटे भी हो हम और उनको बड़ा बना देना, ये भी किसी आर्टिस्ट का एक आर्ट होता है। देखिए उसमें हम, ये तो शामिल होती है बात की राइटर ने भी अच्छा लिखा हो। जैसे मेरे पास एक मुझसे बात वो पूछ रहे थे लोग कि मैंने अलिफ में एक कैमियो किया, तो आई जस्ट टोल्ड देम कि आई डिड नॉट मेजर इट विद द लेंथ, आई मेजर्ड इट विद द डेप्थ। बिल्कुल, कई दफा डेप्थ भी होती है कुछ चीजों में, कि एक एक सीन भी आप क्लिक करते हैं। तो आपका फेवरेट अपना किया हुआ कैरेक्टर कौन सा है जो आपको लगा कि ये, या ऐसा चलें इसको ऐसे करते हैं कि विच प्ले गेव यू सही, वो जो शनाख्त बन गई, ये हिट हो गया मेरा? टेलीफिल्म्स भी थी, हिट तो चांद ग्रहण से हुई। चांद ग्रहण तो खैर वाज अ मेगा हिट, मेगा हिट। उसके बाद उसमें तो हीरोइन के बाद होमा का हवाएं, वो यस हवाएं वाज कैरेक्टर स्पेशली फैबुलस। देन निजात, हां निजात बहुत अच्छा लग रहा, कपल ऑफ रिटन बाय असगर नदीम सैयद। ओ बड़ी डेप्थ थी, बड़ी ग्रेट राइटर, स्टोरीज थी सारी ग्रेट। अच्छा क्या है, शाजी से भी मैंने बात की, स्क्रिप्ट अब नहीं, मतलब कोई लिख रहा है किसी सीरियल के लिए, क्या हमारा स्टाइल या नरेशन चेंज हो चुका है अब इस वक्त? ऐसे ही है क्योंकि अब पुराने राइटर्स जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है, बहुत अच्छी अच्छी, क्या आप सुनो तो आप कहोगे यार स्टोरी किसको कहती, मतलब देखें जो फैमिली ओरिएंटेड या आजकल जो नहीं, अच्छी स्टोरी मींस अच्छी स्टोरीज,
लाइक मतलब क्लिक करने वाली उसकी स्टोरी, मतलब अब आजकल क्या है, क्या दिखा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा समझो 90% डिफरेंट चीज़ एक है. जो पुरानी स्टोरीज होती थी, हर एक को मज़ा आता था लिखने में, हर एक को मज़ा, मतलब एक लाइन आप नहीं चेंज कर सकते थे राइटर की, वो इतना इम्पैक्ट होता था उसका कि आप याद है सर, राइटर को कॉल करनी पड़ती थी कि भाई दो लाइनें चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर आता था सेट पे या जो परमिशन दी हुई थी साहब से, वो अमजद साहब इस मामले में बड़े कुछ राइटर्स इनको मेरी लैंड में चेंज करना. अच्छा अमजद साहब, अमजद साहब, अच्छा साहब वो भी एक कमाल राइटर हैं. अमजद साहब पहरा देते थे बकायदा अपने स्क्रिप्ट का, स्टूडियो एस पर बैठे. अच्छा ये मुझे नहीं, रियली? हां ऑफ कोर्स, यस. जिस तरह अभी आई थिंक खलील साहब इज वेरी पोजेसिव, उमैरा की लाइंस या फायजा की लाइंस. हां तो मैंने पहला सीरियल जो बकायदा किया था वो अमजद साहब के किया था. अच्छा दैट वाज रात. हाँ, I know, I remember the names. हाँ, हाँ, मेरे दाढ़ी मेरे थी और लोग मुझे ये भी समझते थे कि शायद औरंगजेब लगारी ने दाढ़ी लगाई है क्योंकि मैं आई वॉज ड्यू, लेकिन मेरी पहचान हो गई इस उससे. आई प्लेड रिटायर्ड ओलंपियन फुटबॉलर हु इज नाउ अ गार्डनर इन अ गर्ल्स कॉलेज. ओके तो समीना प्लेड माय डॉटर समीना फिरज़ादा. हाँ ठीक. अच्छा हालांकि आपकी एज तो तब बस आपकी एज नहीं, वही उस जब पहले दिन ठाकुर साहब ने बताया ना समीना को कि भाई ये रेडियो मुल्तान से आए हैं तो ये इज़ गोइंग टू प्ले योर फादर, तो समीना ने ऐसे देखा और ठीक है चली गई. लेकिन ये उन दिनों पीरू भाई और समीना दे वर डूइंग थिएटर इन बहावलपुर इन पंजाब के. अच्छा तो जब ये कुछ दो चार वीक चल गया प्ले तो फिर समीना आई अग्नि रिकॉर्डिंग के लिए, तो भाग के आई के हाय अब्बू जी सारी दुनिया आपकी बातें कर रही है. अच्छा, अच्छा मैंने कहा यार ऐसे. अच्छा ये मुझे जरा बताएं, एक टीचिंग है मेरे लिए लर्निंग, आप क्या कैरेक्टर जब ऐसा मिलता है क्या उसमें ऐसा इंग्रेडिएंट्स डालते हैं कि वो कैरेक्टर दूसरों से अलग स्टैंड आउट करता है? यार ये कोई ऐसी रेसिपी है जो यहाँ क्रिएट होती है जिसके लिए कोई कोई फार्मूला नहीं है. मतलब एक कैरेक्टर पता नहीं कौन सा किया, अयूब खावर का कोई कैरेक्टर, तो उन्होंने कहा जी कि ये कैसे किया आपने माइक आगे करके. कैसे बस कैसे बताऊँ, कोई इसका रिटर्न फार्मूला नहीं है कि मैंने ऐसे ये सोचा इतनी हल्दी डाल दी इतनी मिर्च डाल दी और ये बन गया. नो, ये स्क्रिप्ट को हम लोग उन दिनों में हम स्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा पढ़ते थे, बार 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 पढ़ते थे स्क्रिप्ट, हमें बहुत पहले मिल जाते थे ना कैरेक्टर्स. हाँ और फिर वो सोचते सोचते सोच का जो एक सिलसिला शुरू होता था फिर वो उसमें फूल कांटे लगाता चला. ऐसे ही है ना कि आप एक चीज को जब इतना ज्यादा पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो नई नई उसके अंदर आप चेंजेस लेके आते हैं नया. एग्जैक्ट ठीक है. और आपकी इमेजिनेशन फिर उसके साथ चलना शुरू हो जाती है. हाँ बिल्कुल सही है. ये सब ये बात तो इमेजिनेशन है. बिल्कुल इमेजिनेशन. आप सुहेल असगर नहीं हो, आप वो कैरेक्टर ना हो. बिल्कुल द कैरेक्टर. बिल्कुल सही है. अच्छा हुमा फील्ड में आई कैसे, कैसे मतलब क्यों कैसे कब किस तरह? तो बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी है, 100 साल तो नहीं पुरानी. 1947 में तो नहीं आई थी यार, तब तो टीवी भी नहीं आया था. 14. Yes, okay, yes. I was in ninth grade when my first. And how did you end up on TV? मतलब किस तरह शुरू किया काम? Stage play कर रहे थे तो हमने PTV के directors को बुलाया था as judge. अच्छा स्कूल में. स्कूल में. अच्छा. तो उन्हें वो पसंद आ गया थोड़े बहुत acting ये वो फिर उन्होंने में से. Then they offered you. Yes. So yes. पहला जो काम था 14 में वो क्या as a grown up girl का था या एक child star sort था? वो शाहिद काजमी अगेन लेट का शाहिद काजमी ही अगेन ही वाज अ वंडरफुल राइटर. तो उनका स्क्रिप्ट था सिलसिला और द थीम वाज कि मैं अपनी मेरे वालिद की डेथ हो जाती है तो मैं कॉलेज में होती हूँ अपनी वालदा की शादी करवाना चाहती हूँ कि आप शादी कर लें क्योंकि इस्लाम में है ये ओके कि एक बेटी जो मतलब कि हमारे मुआशरे में बड़ा इस चीज को नहीं सही समझा जाता है बल्कि अगर मां-बाप ऐसा कर लें तो बच्चे नाराज हो जाते हैं सारी जिंदगी. बिल्कुल बिल्कुल. बट उसमें ये कितना ये हाउ ओल्ड कितनी पुरानी दिस इज लाइक बैक इन 84
अच्छा मतलब 83-84 आप लगा रहे हैं कि इतने साल पहले इस टॉपिक को डिस्कस इसलिए किया गया था बहुत बोल्ड टॉपिक था अच्छा और उसका रिस्पांस भी मिला बहुत अच्छा मिला बिकॉज़ उस वक्त पीटीवी इस्लामाबाद पिंडी से एक्चुअली ठीक है प्लेस होते थे तो हमारे बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए पीटीवी से बिकॉज उस वक्त ये करंट अफेयर्स का हेडक्वार्टर्स नहीं बना था हु प्लेड योर मदर इन दैट सम न्यू एक्टर एंड या या सो शी इज गॉन कोई बहुत फेवरेट एक्ट्रेस है पुरानी जिसको देख के लगा हो पाकिस्तान में कि यार ये बहुत है एसन व्हाट अ डिप्लोमेटिक क्वेश्चन अच्छा कोई एक और मेरा आंसर भी देना कोई जस्टिफाई नहीं करेगा मुझे अपने आप को नहीं करेगा कोई दो चार नाम कुछ लग जो मुझे हमने कोई मिस आउट भी कर दिया हो या हमारे जहन में भी ना हो मतलब जैसे यूजुअली मैंने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने उस्मा गिलानी का नाम लिया फिर और बहुत तो मैं कह रही हूँ कि इतने हैं इतनी है कि पुराने तो एक तो लिमिटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो भी होता था वो बड़े अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह से द कैनवस इज़ वेरी बिग नाउ उस ज़माने में एक पीटीवी बेचारा एक घंटे का कितना कैटर कर लेता होगा एक्टर्स को वही तीन तीन महीने के लिए फिर हम लोग अलाउ नहीं थे कि हम किसी और स्टेशन पे जाके काम करें एक ही तो उसमें जो भी मतलब पुरानी है आप कोई भी एक्ट्रेस को फॉर देट मैटर उठा के इवन फिल्म की तो दे वर लाइक ऑल ऑफ देम वर वेरी गुड अपने अपने काम उन लोगों ने बहुत जस्टिफाई किया अपने अपने कैरेक्टर्स के साथ अभी अभी भी उस तरह मेहनत होती है पहले तीन सीन होते थे दो सीन होते हैं बाय एक्सप्रेशंस जो है ना पहले दो सीन होते थे लेकिन कैमरे ज्यादा होते थे ठीक है हां ठीक है मार्किंग हुआ करती थी बिल्कुल ब्लॉकिंग पूरी रिहर्सल बिकॉज़ आई वर्क फॉर विद पीटीवी सो आई नो अ लिटिल बिट हां वो सारा हुआ करता था दो महीने की डेढ़ महीने की रिहर्सल्स और वो मतलब अब जरा ये कि 15 सीन से अगर कोई भी बेचारा डायरेक्टर लेकर भी चला जाता है प्रोडक्शन हाउस तो कहते हैं 15 सीन खाली यार तब दो दो महीने पहले स्क्रिप्ट मिलते थे अच्छा अब अगर कोई मुझे कास्ट करे और मैं उसको दो हफ्ते पहले कह दूं कि यार मुझे काइंडली स्क्रिप्ट भिजवा दीजिए आप तो सेट पे छीन रहे हो अरे आपको स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है आप तो आप महान है आपको क्या जरूरत है आप चार जोड़े लेके सेट पे आ जाए कोई कैरेक्टर तो बता दो क्या अमीर आदमी गरीब आदमी असिस्टेंट्स बड़े क्यूट है एक स्क्रिप्ट होता है एक पेपर वो भी चार लोगों में बट रहा होता है ना यूं करके एकदम तुमने तो देखा होगा कुछ कई कई जगहों पे ऐसे भी कई तुमने अभी पढ़ा नहीं है कि वो एकदम वो सर मांग रहे हैं यार आप देखो ये तो अब ये पता नहीं कौन से मैंने तो ऐसा कोई प्लानिंग की जिसकी ये बात कर रही नहीं ऑनेस्टली ये है ठाकुर साहब के साथ हम काम कर रहे हैं हाँ ठीक है असिस्ट कौन कर रहे हैं ठाकुर साहब को अय्यूब खावर ओह माय गॉड बोथ ऑफ देम आर लाइक जिन्नाती काम था ना यस यस यावर साहब के साथ कौन असिस्ट करता था नुसरत ठाकुर वाओ मतलब लेवल ही और है लेवल ही और है वही मैं कहता हूँ कि कहाँ से गिरे हम खजूर में भी नहीं अटके रस्ते में मैं यही कह रहा हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी एड अप करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने वो ग्लोरी या वो एक काम एक अपनी एक लेवल का चीज नहीं देखी होती ना फिर उनको जब वो जब नीचे आते हैं तो मतलब उनके लिए वाकईतन एक बहुत अजीब बात जैसे आप लोगों ने देखा हुआ एक लेवल नीचे आने से मतलब है कि क्वालिटी ऑफ वर्क जब गिरता है मेरा ये मतलब है बट जो आजकल के लोग हैं शायद दे वेरी हैप्पी विद द स्टाइल ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग यू नो सोशल मीडिया एंड मनी इज सो मच ऑफ मनी आई मीन एक चीज अगर कहीं से कम हुई है तो पैसा भी तो ज्यादा आया ना इस फील्ड में काम भी ज्यादा बढ़ा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टर्स थोड़े ज्यादा खुशहाल हो गए पहले की निस्बत जो कि पहले एक चेक एक चैनल पे कितना आप तो जानते ही हैं लेकिन सोहेल पूरे मीडिया को नहीं 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 प्राइवेटाइज करने में हमारा बड़ा हाथ था मैंने तो चलता सीरियल मैंने बहरोज ने भी हम लोग सीरियल्स ऑन एयर थे हम लोग एकदम नहीं जाते थे हम कहते थे आप इसको प्राइवेटाइज करो दैट इनफ इज इनफ तो पूरे जितने भी एक्टर्स थे मेरा ख्याल है लाहौर से भी कोई 150 एक्टर्स कराची से भी क्वेटा से भी पिशावर से भी सब ने धरने धरने बांधना शुरू कर दिए थे हम लोग कोई नहीं जाते वो तो रेट बढ़ाने के लिए थे रेट नहीं प्राइवेटाइज करने के लिए तब से तो प्राइवेटाइज हुआ ना नहीं नहीं पैसे बढ़ाने के लिए नहीं नहीं हमने ये भी बोला था ना पूरी हमने टर्म्स और कंडीशंस लिख के दी थी कि आप हमें पैसे भी बढ़ाएं वरना हम प्राइवेट हम लोग प्राइवेट ये जो रॉयल्टी बंद करवाई ना आप लोगों ने वो हमने कर दिया हमारे साथ नहीं हां देखो ना कितना आप लोगों के साथ कैसे किया हमने अपने साथ किया सबसे पहले तो हमारे साथ जुल्म हुआ ये रॉयल्टी मिलते थे हमारे लीडर्स जो थे ना उस वक्त
उन्होंने कराया। ये तो बड़ा जुल्म हुआ कि रॉयल्टी एक्ट्रेस की बंद हो गई। पूरी हमारे ड्रामे आप पूरी दुनिया में चलते हैं, बार बार चलते हैं, और कभी आप जहाज में बैठे वहां पे चलते हैं, आप वेब सीरीज के तौर पे चलते हैं, दूसरे चैनल्स पे रिपीट होते हैं, उनके अपने चैनल्स पे चाचा वाले। हमारी इंडस्ट्री नहीं है अभी तक। मुझे याद है कि एक गाना था अफशां बेगम का, अच्छा पता नहीं कौन सी फिल्म का, मुझे गाना भी याद नहीं है। उसकी सिर्फ रॉयल्टी से इतना चला वो गाना, उसकी रॉयल्टी से उसने करोला गाड़ी ली। अच्छा उस जमाने में, उस जमाने में रॉयल्टी से। तो भाई अब तो हमारा काम टके टोकरी पूरी दुनिया में चलता है, हमें एक आना नहीं उसका मिलता। अब ऐसा करना पड़ेगा, इन्होंने रॉयल्टियां बंद करी थी, अब हम लोगों को धरना देना पड़ेगा रॉयल्टियां चलाने के लिए, वापस करो। अच्छा ये बताएं फेवरेट हीरो कौन रहा, मतलब यार कोई तो फेवरेट बता दे, कोई तो एक बता दो नाम। अब कहेंगे हीरो भी बहुत थे। हाँ ना, एक तो बता जिससे बहुत मजा। चलो फेवरेट छोड़ो, जहर कौन लगता था हमें? ये तो एक हो गया ना। अब ये तो नहीं, ऐसे सारे जहर लगते थे यार, मेरा ही नाम ले ले। अच्छे अच्छे एक्टर इन जैसे एक्टर्स के साथ काम किया है मैं। ये और एहसन खुद मैं बहुत यार शफी मोहम्मद शाह, यू रियली लव, क्या बात। ओके हां, नो डाउट, हिज पर्सनालिटी बहुत प्रेजेंस बहुत थी स्क्रीन पे। अच्छा बीच में ये गायब हो गई थी, यानी आपने छोड़ दिया था काम? हां बस वैसे सिस्टम से निकल गया। यू वर नॉट इन पाकिस्तान? या आई वाज, यू वर लिविंग अब्रॉड समवेयर? या एंड देन यू गॉट बैक। कितने साल हुए? नाउ आई कम्यूट, ओके, बैक एंड फोर्थ। ओके, तो वो रहता है आधी फॉरेनर हो यानी? नहीं इतनी नहीं हो, जहां जैसा देश वैसा भेज। मजा आता है बाहर या पाकिस्तान को मिस करती? दोनों अपने अपने। वहाँ पर भी टाइम लगा। फैमिली इज़ हियर, योर फैमिली? माय फैमिली, माय ब्रदर इज इन पीआईए, ही इज अ कैप्टन, ही इज पोस्टेड इन पिंडी, ही वाज सन ऑफ द सॉइल एक्चुअली। ओके, माय सिस्टर शी इज इन अटलांटा। ओके, शी इज आई थिंक शी इज 9 इयर्स यंगर देन आई एम। ओके ओके, एंड देन द मिडिल किल द मैसेंजर इज मी। ओके ओके, कूल। बस यही है। ठीक है सुहेल भाई, कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे, 2 बेटियां बड़ी और बेटा छोटा है, और बेगमात एक ही है ना? हाँ नहीं ऐसे पूछो, मैंने ऐसे पूछ लिया। अगर कहीं खुफिया हो तो भाई उसका पता मुझे बता दो। या मैंने वैसे ही पूछ दिया, आप टेंशन में क्यों आ गए? नहीं नहीं एक ही है भाई, माशाल्लाह एक ही निभ जाए, अल्लाह करे कि किसी तरह पूरी हो जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने महमूद साहब मोदी भैया है ना मेरे पास, मैं उनसे भी यही पूछा कि यार आजकल लोग एक एक नहीं संभाल सकते, आप दो दो कैसे संभाल सकते? तो वो बड़ा उनके पास ज़बरदस्त जवाब था। फिर बहरोज भाई भी कहते हैं इतनी अच्छी है मेरी बेगम, इतनी अच्छी कि मुझे काजी साहब ने दुआ दी कि इतनी अच्छी ऐसी दो होनी चाहिए तेरे पास। काजी साहब। अच्छा सो कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? अच्छा इतना भी टाइम फारिग हो सारा बच्चों के साथ, दोस्ती यारियाँ हैं बहुत, सोशलाइजिंग शदीद दोस्ती बेटे के साथ, बच्चियों के साथ। मेरी दोनों बच्चियां माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेरे दोनों दामाद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माशाल्लाह। और बेटा मेरा बीच में छोड़ गया। अच्छा। कहता पापा जी मैं अकाउंट्स पढ़ता हूँ तो मेरा दम घुटता है। मैं कहा बेटा छोड़ दे आज, जो दिल करता है वो। एक्टिंग की तरफ अभी नहीं, एक्टिंग की वो थोड़ा शाय था। अच्छा, इज इन टू म्यूजिक। ओके, He's teaching music in Beacon House TNS Lahore Defense. Lahore, okay, lovely. Oh, English vocals. अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह. That's wonderful, यार. तो art तो आया ही ना, art तो. इतना शुक्र करता हूँ मैं अपने उस रब का कि बच्चा मेरा भी सेटल हो गया. माशाल्लाह. इतनी बड़ी मेहनत की है उसने. बिल्कुल. और ये बड़ी अचीवमेंट है आपकी कि आपने इस फील्ड में रहकर और काम भी किया। भाई मैंने अपनी बच्चियों की पाउंड्स में फीसें दी वो उन पुराने चेकों से, वो पीटीवी के चेकों से, और कहाँ कहाँ मैं भाग दौड़ करता था। फिल्म की डबिंग, थिएटर भी कर लिया, रेडियो भी कर लिया। उस वक्त एनर्जी भी बहुत ज़्यादा थी, सुबह से लेकर रात तक, 2 बजे तक रात तक बंद रोड वाले स्टूडियो में जाके बंगाली फिल्म की उर्दू डबिंग भी कर रहे थे। कूल यार, ये मेहनत है ना। हाँ, हार्ड वर्क है भाई, अपनी फैमिली के लिए इंसान है। हार्ड वर्क। तुमने कब ज्वाइन किया? मुझे तो इस फील्ड को, इट्स बीन मोर देन 15 इयर्स नाउ। माशाल्लाह बहुत। एंड आई आल्सो आई वाज वेरी वेरी लाइक, मैं तो एक वो कहते हैं ना चाइल्ड कैरेक्टर, बच्चा था हमारे सामने, मैंने किया था वो उस दिन। मैं बल्कि अभी एक प्ले में सबा हमीद साथ है तो उनको तो नहीं याद, एक कमर्शियल था जिसमें मुझे पता चला कि सबा हमीद इनका नाम, मतलब शी इज ऑब्वियसली सीनियर एक्टर। तो मैं जिस प्रोडक्शन हाउस में था तो वो एक कमर्शियल के लिए कॉल नहीं आती जो
यंग मॉडल जो पीछे खड़े होते हैं बच्चे फैमिली में, तो मैं उनको नहीं याद था, मैं उसमें एक जगह भी पीछे खड़ा हूँ और सामने सबा हमीद एक पाउडर बेच रही है और माइक लेके जा रही लोगों के पास, एंड जो पीछे एक हजूम नहीं होता जो घर में डिनर या पार्टी, उसमें मैं एक खड़ा हूँ पीछे एक बच्चा, मुझे वो बिकॉज वो काम अभी है नहीं, मैं कभी ढूंढ रहा था काम आए तो मैं देखूँ। फिर मैंने पी टी वी का एक सबा हमीद का एक सीरियल था, उसमें एज अ कश्मीरी बच्चा जहाँ बहुत सारे कश्मीरी बच्चे बैठे ये व्हील चेयर पे होती हैं, सो आई रिमेम्बर कि मैं तो बहुत अरसा पहले ऑन एंड ऑफ बीच में पढ़ाई भी और कभी तो काफ़ी अरसा हो गया। अच्छा हुमा इस फील्ड में, और आप दोनों से बल्कि क्वेश्चन कि इन दिस फील्ड लाइक एवरीवन, हम नाम बनता है, काम होता है, पैसे भी आते हैं, पैकेज होता है पूरा, तो उसके साथ साथ इज्जत भी होती है एक्टर्स की, लोग इज्जत भी करते हैं कहीं कहीं पर। इस काम को आज से कुछ पहले ज़माने में तो इतना अच्छा समझा भी नहीं जाता था, कहीं कहीं में बहुत बेहतर भी समझा जाता था, अंडरस्टैंडिंग। डू यू फील कि ड्यू रिस्पेक्ट जो डिज़र्व करते हैं सीनियर एक्टर्स जूनियर, उनको मिलती है? डिपेंड करता है एसन, क्योंकि आजकल बड़ा मिक्स चल पड़ा है। कुछ हमारे यंग एक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, तमीज़दार हैं, अच्छा लगता है उनसे बात करते हुए, मज़ा आता है एकदम, रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं। कुछ ऐसे हैं बिस्तर पे लेटे हैं तो लेटे हुए हैं, मतलब वहाँ काम करने और नहीं, यानी एक सलाम दुआ होती है, हाँ, नहीं, नहीं, से। वो पता चल जाता है वो स्पिरिचुअली नहीं है, उनके नहीं अंदर है। नहीं है वो चीज़, क्योंकि कोई भी आर्ट होता है दैट इज़ वेरी एबनॉर्मल, कोई भी आर्ट हो, एक्टर जो है या पेंटर जो आर्टिस्ट जो सिंगर, जितना भी फॉर्म ऑफ आर्ट है विच इज़ वेरी एबनॉर्मल। वो एक पेंटर है, वो कोई यूं करके लाइन डाल देगा, तुम सारी जिंदगी लगे रहोगे, तुम नहीं वो लाइन बना सकते। तो वही वाली बात है कि एक्टिंग भी इट्स अ फॉर्म ऑफ वेरी एबनॉर्मल बिहेवियर, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है एक्टिंग का। तो अब लेकिन वो पता चल रहा होता है कि ये क्यों आए हैं, ये क्या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए आए हैं, ये अपना फेम लेने के लिए आए हैं, ये बच्चा पार्टी जो भी है। और दूसरा मैं एक चीज़ और वो कर रही हूँ कि ठीक है पढ़ाई की तरफ अब बच्चों का ध्यान नहीं रहा, दे आर नॉट स्टडिंग, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सिर्फ एक्टिंग पे बेस करना अपना लाइफ या अपना करियर बनाना वो मेरा इस वक्त हमारे यहाँ वो अनजस्टिफाई करता है। अब मतलब उसमें ये कि पढ़ें भी, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, यू नो चाइल्ड लेबर ही हुआ ना उनके साथ एक तरह से, आप सुबह से रात तक उनको ले आते काम हो, करा रहे हैं और काम स्कूल करा नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे हैं, आई मीन मतलब अब इवन डिज्नी चैनल में बच्चे होते हैं तो उनका अपना एक टाइम होता है, छुट्टियां होती हैं तब वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे उनको 24/7 उनको आप एक्टिंग करा रहे हैं, ये वो है जो है। लेकिन हमारे यहाँ इट्स सैड, इट इज़ वेरी सैड कि जो यंगस्टर्स हैं जो बच्चे हैं वो दो दो महीने स्कूल नहीं जाते, गायब हो जाते हैं, मतलब उनके माँ बाप ले आते हैं, माँ बाप ही पुश करते हैं, तो एक बैलेंस नहीं है, नहीं, बैलेंस थोड़ा नहीं है। हाँ, ऑफ। आप क्या कहेंगे सर भाई, क्या सवाल? यंगर लॉट या आजकल के ज़माने में जैसे सीनियर एक्टर्स की एक रिस्पेक्ट होती है, या दूसरे एक्टर्स की भी, हम लोग भी और हमारे बाद के भी लोग एक सर्टन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट डिमांड भी करते हैं लोगों से कि इस फील्ड को अच्छा भी समझा जाए, सबसे प्यार भी किया जाए, आपको लगता है ऐसा है लोगों का रिएक्शन आजकल? हाँ भाई, हमें तो पहले दिन से हमें तो बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली कि मैं बयान नहीं कर सकता, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इतनी मखलूक की मोहब्बत मिली, बेशक। लेकिन ये है कि हम लोग जिस वक्त आए थे इस काम में, जो हमारा टेलीविजन रेडियो, मैं तो रेडियो से आया, जी हाँ, रेडियो तो एक बड़ा बेसिक इदारा था जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जी हाँ, और टेलीविजन भी इक्वली। तो मुझे अब याद आई एक बात, हमारे इलियास इश्की साहब हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे मुल्तान रेडियो के, जब मैं नया नया गया तो उनसे थोड़ी सी सलाम दुआ शुरू हुई डरते डरते दूर से, तो फिर उनकी एक बात भी मुझे भूलती नहीं सारी ज़िंदगी, उसने कहा कि हम 11 भाई हैं और हम सब की पोस्टों पे हैं, कुछ फेडरल में कुछ प्रोविंशियल में, और हमें फ़ख्र है कि हम हमारे घर में किताबों और चारपाइयों के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो ये एक टाइम था, कल्चर ये कल्चर था, ट्रेडिशन थी, बिल्कुल। आज का जो बच्चा है ना उसके पास वो ट्रेडिशन नहीं है, आजकल मटेरियलिस्टिक किताबों की तो दुकानें ही नहीं रही यार, नहीं रही,
ऑफ या मेरे बाप ये जो मैं एक पूरे कराची में एक लिबर्टी बुक देखें देखें हैं बिल्कुल कितनी बड़ी आबादी है कराची। सर आपने ऐसी बात कर दी जो यूजुअली हम टेलीविजन पे क्योंकि बड़ा वो ड्राई बात हम लोग किताबों की बात करते हैं। मैं जब बाहर के मुल्क हम लोग जाते हैं हम ट्रैवल करते हैं बच्चों के साथ तो देयर आर बुक शॉप्स जिनके अंदर कैफेज बने हुए हैं बैठ सकते हैं तो वो हम लोग तो अपने बच्चों को वहां जाते हैं हम आधा दिन वहां वेकेशन में वहां गुजर जाता है हमारा यहाँ पे ऐसा सिलसिला है तो बड़ा अफसोस। मेरा ग्रैंडसन है उसके पास इस वक्त अभी वो 13 साल का है उसको उसके पास मेरा ख्याल है 10,000 बुक इकट्ठी होगी। वो अभी कल जॉर्जिया गया स्कीइंग के लिए। ओ वाओ अच्छा जी जबरदस्त ये तो बड़ी जो ये लर्निंग जो मैं आपको कहता हूँ ना कि हमारे सीनियर से या हमारी लीग के या हमारे दूसरे जो एक्टर्स हैं ये लर्निंग है मेरी भी कि ये लोग क्या चाहते हैं किस तरह सोचते हैं ये बातें हम कभी करते नहीं हैं बैठ के हम तो बस इनको कैरेक्टर्स के तौर पर जानते हैं लेकिन ये पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम सुनते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।